सो फाइनली एमजी हेक्टर की लीक इमेज हमारे सामने आ चुकी है और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं जो कि आगे आप लोग देखोगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी को। यस, एग्जैक्ट ऐसी होने वाली है गाड़ी, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत कम समझ आ रहा होगा ना। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो फिर पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की डीआरएल्स की, जहाँ पर भाई हमें ऐसे कुछ खास फ़र्क नहीं दिख रहा है, डीआरएल्स वैसी हैं सेम। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा डीआरएल के बगल में देखोगे तो फिर एमजी के लोगों के जस्ट ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की पट्टी मिल जाएगी और उसके बाद मेन चेंजमेंट उसके नीचे ही है। इस गाड़ी की पूरी ग्रिल चेंज हो गई है, पहले मतलब बहुत ही छोटे हिस्से में आती थी ऐसे थोड़ा सा, लेकिन अब भाई पूरे फ्रंट में आ गई है। और अगर थोड़ा और बारीकी से देखोगे तो फिर जो इसकी ग्रिल है उसके अंदर आपको बहुत ही छोटे छोटे ऐसे डायमंड के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि पिछली वाली हेक्टर की वीडियो में मैंने कहा था। और भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक बस 5.2% लोगों ने किया है। सोचो यार 100 में से बस 5.2, जल्दी से इसको 10% तक ले आइए। और अगर बात कर लें गाड़ी के हेडलाइट्स की, तो फिर वहाँ पर भी वही सेम हेडलाइट्स मिलेंगी जो कि पहले आती थी, बस थोड़ा बहुत वहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है। और अगर बात कर लें सबसे नीचे की, तो फिर वहाँ पर आपको बिल्कुल नया बम्पर मिल जाएगा जो कि पहले ऐसे चौड़ा सा आता था, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारी पट्टियाँ यूज की गई हैं जो कि क्रोम वाली हैं। उसके बाद सबसे नीचे के बीच में देखो एमजी हेक्टर का मेन हथियार ADS वाला सेंसर, हाँ वहाँ पर कोने में देखो वही है। तो फिर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS मिल जाएगा एंड आई थिंक सो लेवल 2 का आएगा। 700 के अंदर लेवल 1 का आता है, लेकिन इसके अंदर लेवल 2 का आएगा, सो प्लस पॉइंट इसके पास है। और भाई अगर अगले चेंज की बात करें तो फिर आप लोग इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स देख सकते हो, वहाँ पर भी डिजाइन चेंज है पहले से, जो कि बढ़िया लग रहा है और 17 और 18 इंच में आएगा। एंड उसके बाद बात कर लें इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो फिर इस गाड़ी की प्राइस अभी जो भी मॉडल्स आते हैं उससे 1 से 1.5 लाख रुपये वाली गाड़ी महंगी रहने वाली है। और फीचर्स वगैरह भी इस गाड़ी के अंदर अच्छे खासे यूज किए गए हैं, जैसे कि 14 इंच की स्क्रीन हो गई और इसके अंदर दुनिया भर के फीचर्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ADS वाली फीचर्स, गाना ऐप, स्पॉटिफाई और बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर ऐड किए जाएंगे। लेकिन यार एक दिक्कत की है, मतलब जो इंजन इस गाड़ी का सेम पहले वाला ही है, जो कि गलत बात है। चलो इंजन पहले वाला दिया है ठीक है, लेकिन यार BHP तो बढ़ा देते, लेकिन वही है।